हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेंजसो मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने अभी तक पुराना सीजन चेकआउट नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो और मुझे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी को देखते हैं जो कि दरवाज़ा खोलने जा रहा था, लेकिन तभी फ़ोन की रिंग बज जाती है और तभी वहां पर पावर आ जाती है और डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। डेंजी उसे भी दरवाज़ा खोलने से मना करने लगता है और खुद फ़ोन पर बात करने लगता है, और डेंजी उसे जवाब नहीं देता है। फ़ोन पर उससे माकिमा बात करने लगती है। माकिमा डेंजी से कहने लगती है कि क्या उसने न्यूज़ देखी है, जिस पर डेंजी कहता है कि वो भी जस्ट सोकर उठा है। माकिमा काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कहने लगती है कि गन डेविल आ चुका है और वो उन लोगों की नज़रों से भी दूर भाग चुका है, और इस समय वो एक डेड बॉडी के अंदर है और वो किसी का दरवाज़ा बजा रहा है। लेकिन डेंजी को ये सारी बातें मजाक लगने लगती है, लेकिन माकिमा काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और डेंजी कहता है कि वो उस पर विश्वास कर सकती है। माकिमा अब डेंजी से कहने लगती है कि लड़ते वक्त किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में मत रखना। और दूसरी तरफ डोरबेल बजती ही जा रही थी। डेंजी अब फ़ोन रख देता है और पावर की तरफ मुड़कर कहने लगता है कि मिस माकिमा कह रही है कि दरवाजे पर गन डेविल है, लेकिन पावर डेंजी से कहती है कि वो एक गधा है, आकी के घर आने का समय हो चुका है और आकी ही कब से डोरबेल बजा रहा है। फिर वो चिल्लाते हुए पूछने लगती है क्या दरवाजे पर आकी है, लेकिन अचानक से डोरबेल बजना बंद हो जाती है और डेंजी को कुछ रियलाइज़ होता है। वो पावर को मियाओ के साथ बालकनी से भाग जाने को कहने लगता है, लेकिन पावर जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए डेंजी उस पर गुस्सा करने लगता है और पावर मियाओ को लेकर बालकनी से कूद जाती है। डेंजी दरवाजे के पास जाने लगता है और कहने लगता है कि ये गनफीड नहीं हो सकता, ये आकी ही होगा। और जैसे ही डेंजी दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर आकी ही मौजूद था, लेकिन उसकी बॉडी को गनफीड ने टेक ओवर कर लिया था और आकी बंदूक बन चुका था। डेंजी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो सोचने लगते कि क्या अब उसे लड़ाई करनी होगी। आकी डेंजी का नाम लेने के साथ ही उस पर गन पॉइंट कर देता है और डेंजी से उसमें पड़ जाता है कि आखिर ये फिंड उसका नाम कैसे जानता है। और यहाँ पर हम आकी को देखते हैं जो कि अपने आप को चाइल्डहुड में इमेजिन कर रहा था, और वो डेंजी से पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं। और तभी आकी की नज़र एक स्नोबॉल पर जाती है जो कि वो उठाकर डेंजी से पूछने लगता है, अच्छा मैं समझ गया, हम स्नोबॉल फाइट करने वाले हैं। वो डेंजी पर एक स्नोबॉल फेंकता है जो कि असल दुनिया में गनफिंड की गन थी। डेंजी दीवारों को तोड़ने के साथ ही नीचे गिर जाता है और पावर देखती है कि उसका अपार्टमेंट तहस नहस हो चुका था। और यहाँ पर अब हम डेंजी को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरह से आधी हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी पावर कह रही थी कि वो गनफिंड नहीं हो सकता क्योंकि उसे तो आकी की ही महक आ रही थी। अब डेंजी उससे कहने लगता है कि वो उससे भी मजाक ना करे, और तभी गन डेविल नीचे कूद जाता है, लेकिन डेंजी ट्रांसफॉर्म होकर पावर को बचा चुका था। हम फिर से आकी के बचपन वाला दिमाग देखते हैं जहां पर डेंजी और पावर दोनों ही पहुंच जाते हैं। आकी पावर से कहने लगता है कि तुम भी आ गई, तुम अब डेंजी की टीम में हो, और फिर वो उन दोनों पर ही स्नोबॉल फेंक देता है, लेकिन असली दुनिया में वो एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट था। डेंजी अब खुद को संभालने लगता है। आकी की नज़र अब नॉर्मल सिविलियंस पर जाती है और उसका दिमाग उन सब के साथ भी खेलना चाहता था। आकी उन लोगों की तरफ भी गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर डेंजी चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आकी गन चला देता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद चेंजसो मैन आकी पर अटैक कर देता है, और ये अटैक आकी को एक स्नोबॉल लग रही थी, लेकिन असली दुनिया में कई सारे लोग मारे जा चुके थे। इस सब के बाद आकी अपनी गन एक औरत की तरफ पॉइंट कर देता है। डेंजी अपनी चेंजसो की मदद से उसे बचाने लगता है, लेकिन ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि डेंजी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और आकी की स्नोबॉल की वजह से वो औरत भी मारी जाती है। आकी इसी तरह से काफ़ी सारे सिविलियंस को मार देता है। डेंजी का दिमाग ख़राब हो जाता है और उस पर अपनी चेंजसो से वार करता है। सारे सिविलियन चेंजसो मैन को अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता हुआ देख रहे थे। इन लोगों की लड़ाई जारी रहती है और यहाँ पर डेंजी चिल्लाते हुए कह रहा था कि आकी को होश में आना होगा, लेकिन इस सब के बावजूद आकी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे तो डेंजी के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्नोबॉल्स फेंक रहे थे। आकी काफ़ी ज़्यादा खुश था।
क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया था उसके छोटे भाई के अलावा। आके एक बड़ी सी स्नोबॉल बना लेता है और कहने लगता है कि उसे आज तक इतना मजा कभी नहीं आया, और फिर वो स्नोबॉल डेंजी को मार देता है। और असली दुनिया में डेंजी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन आकी के दिमाग में तो डेंजी सिर्फ थककर नीचे गिर चुका था। आकी कहता है कि क्या तुमने हार मान ली, लेकिन तभी डेंजी खड़ा हो जाता है और इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। डेंजी अपनी चेनसॉ की मदद से आकी पर वार कर देता है और उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। वो आकी को फिर से बदल जाने को कहने लगता है, लेकिन आकी उसके दोनों पैर और एक हाथ उड़ा देता है। डेंजी की बॉडी में ब्लड की कमी होने लगी थी और काफ़ी सारे सिविलियंस उसे देख रहे थे। वो सभी लोग डेंजी के नज़दीक आकर उसे घेर लेते हैं और अपने ही हाथों में चाकू मारकर खून निकाल लेते हैं। फिर वो सभी अपना खून डेंजी को पिलाने लगते हैं ताकि वो हील हो सके। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि डेंजी ही है जो उन्हें बचा सकता है। उन सभी लोगों ने चेनसॉ मैन को टीवी पर भी देखा था। डेंजी अब पूरी तरह से हील हो जाता है और हम देखते हैं कि गन फिंड भी उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। डेंजी बाकी की तरफ लगातार स्नोबॉल्स फेंक रहा था और इसी के साथ साथ वो रो भी रहा था। हम देखते हैं कि आकी ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और अचानक से हार मानने पर डेंजी वहाँ से गायब हो जाता है। आकी का छोटा भाई उसे बुलाने लगता है, कहता है कि उसे ग्लव्स और बॉल मिल चुके हैं, और आकी कहता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ कैच कैच खेलने आया था, और असल ज़िंदगी के अंदर चेनसॉ मैन ने अपनी सारी चेनसॉ यहाँ पर आकी के पार कर दी थी। और डेंजी को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि उसने आकी को मार दिया है, उसकी चेनसॉ पिघल जाती है। आकी की यहाँ पर मौत हो चुकी है और डेंजी उसके पास ही में बैठा हुआ है। और तभी हम फ्यूचर डेविल को हंसते हुए देख पाते हैं। फ्यूचर डेविल कहता है कि तुझे चेनसॉ के हाथों एक काफ़ी बदतर मौत नसीब हुई है। और अंत में हम आकी को अपने छोटे भाई के साथ कैच कैच खेलते हुए देख सकते हैं। और इसी सब के साथ हम देखते हैं कि एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम सभी का एक काफ़ी ज़्यादा चहेता कैरेक्टर आकी हायाकावा अब मर चुका है, और फ्यूचर डेविल के मुताबिक पावर भी काफ़ी जल्द ही मरने वाली है। तो जिन सारे कैरेक्टर्स को हमने शुरुआत से देखा, उन सभी के ख़त्म होने का समय आ चुका है। और अगले एपिसोड के अंदर डेंजी अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि वो चेनसॉ मैन से बन जाएगा असली चेनसॉ डेविल। और वो एपिसोड आपको काफ़ी जल्दी इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।